पूरे एक साल बाद ग्रहों के राजा सूर्य बुध में गोचर कर रहे हैं, यानी 365 दिन बाद सूर्य, जो कि हमारा गवर्नमेंट जॉब देते हैं, मान सम्मान देते हैं, हमें पद प्रतिष्ठा देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, यश देते हैं हमें, तो हमारे जो सूर्य देव हैं वो बुध में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और गोचर करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी कुछ लोगों की, लेकिन कुछ पर्टिकुलर राशियाँ हैं जिनको ये अवसर मिलने वाला है। तो वो राशियाँ कौन सी है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बुध की दो राशियाँ होती हैं, एक मिथुन और एक कन्या, इनके साथ सूर्य का युति बन रहा है, जिसपे सभी 12 राशियों पर इफेक्ट तो आएगा, लेकिन ये तीन राशियाँ ऐसी हैं। सबसे पहली राशि वृषभ राशि, जो हमारी 2 नंबर की होती है, उसके बाद हमारी मिथुन राशि स्वयं और सिंह राशि, ये 3 लकी राशियां हैं जिनके जीवन में आज की तारीख देख लीजिए और आने वाली तारीख देख लीजिए, और उसके बाद देखना आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रखे हैं, भले ही सरकारी नौकरी हो, प्रमोशन हो या आगे बढ़ना हो जीवन में। लेकिन अब सभी लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय कि आपने अब सूर्य को जल जरूर देना है, जो लोग देते हैं ठीक है, जो लोग नहीं देते वो जरूर दें, जिससे आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश आपकी राशि पर भी पड़े। तो आप एक लोटे में जल, उसमें थोड़ा सा गुड़ और सिंदूर डाल के प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। जय श्री महाकाल।